हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। कौन कौन आया है? गुड इवनिंग सर। ओके, तो सारे बस पढ़ने वाले ही हैं, बाकी सब मौज करने वाले नहीं है आज। ओके, तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स न्यू चैप्टर है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कौन सा गैसियस स्टेट कंप्लीट कर लिया था? शायद बच्चे लोग गैसियस स्टेट कंप्लीट कर लिया था, यस सर। है ना? कुछ क्वेश्चंस भी गैसियस स्टेट के किए थे, शायद तुम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए होंगे। मैंने पीडीएफ डाला था उसमें, तो तुम लोग शायद कर लिए हो। चलो, अरे तो कोई बोल क्यों नहीं रहा? चलो आवाज आ रही है ना मेरी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हो गया तुम्हारा। चलो, तो हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में अपन लोग देखेंगे, ठीक है? हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन का कैसा क्या होता है, वो अपने को सारी चीजें अभी देखनी। ओके, अच्छा ये बताओ कि हाइड्रोजन के आइसोटोप कितने होते हैं बच्चे लोग? थ्री आइसोटोप। थ्री आइसोटोप, है ना? तो ये सारी चीजें अपन लोग पढ़ेंगे, और बहुत छोटा सा चैप्टर है, और जितने पीवाईक्यूज अगर करेंगे ना, तो मतलब बहुत कम पीवाईक्यू आए हैं। तो कौन सा चैप्टर है? ठीक हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड बेटा इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, 11th का, है सर। एस ब्लॉक से पहले आता है, ठीक है? तो वो अपन लोगों को पूरा कंप्लीट करना है, दो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये हाइड्रोजन होता क्या है? सभी लोग आ गए हैं एकदम अच्छे से। चलो, तो हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में कहां पे रखा गया है, ठीक है? तो सबसे पहले पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल कहाँ कहाँ रखा गया है? कई पीरियोडिक टेबल देखी होगी, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहाँ है? देखो पूरा पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक में पूरा पॉइंट टू पॉइंट हम लोग एनसीईआरटी मतलब देखेंगे। ओके, और एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स तुम्हें हम प्रोवाइड कराएंगे, बस तुम्हें यही नोट्स पढ़ने, इस वाले चैप्टर के लिए यही नोट्स पढ़ने, ठीक है? चलो, तो पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन की जो पोजीशन है बच्चे लोग, वो दो जगह पीरियोडिक टेबल में रखा गया है। कहां पे रखा गया है? एक तो फर्स्ट ए में रखा गया है, और एक जो है वो सेवेंथ ए ग्रुप में रखा गया बच्चे। फर्स्ट ए और सेवेंथ ए, मतलब एक हाइड्रोजन जो है वो एल्कली मेटल्स में रखा गया है, और हाइड्रोजन हैलोजन में भी रखा गया है पीरियोडिक टेबल में, हैलोजन के साथ भी। क्यों ऐसा है? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो हाइड्रोजन की एल्कली मेटल्स के साथ भी सिमिलरिटी दिखाता है और हैलोजन के साथ भी सिमिलरिटी दिखाता है? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, तो वो थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूं। देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होता है? 1s1 होता है कि नहीं? वन और एल्कली मेटल्स का, जैसे सोडियम है, उसका भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ns1 होता है कि नहीं? मतलब ये दोनों सिमिलर हैं, वन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है दोनों के पास, तो कुछ सिमिलरिटी हुई कि नहीं हुई? अच्छा, और भी सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है भाई? हाइड्रोजन जो है
अगर हम बात करें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन होती है, और एल्कली मेटल्स की भी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा प्लस वन होती है। ऐसी कुछ सिमिलरिटी हैं जो हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स में रखता है, और कुछ सिमिलरिटी हैं जो हैलोजन में रखता है। देखो हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? वन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए उसको तो 1s2 हो जाएगा। वैसे ही हैलोजन का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हैलोजन का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP। देखो पूरी लाइन टू लाइन NCERT देखते रहना, पूरा खत्म करेंगे। NS2 NP 5 होता है। बच्चे लोग NS2 NP 5 कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है पी में? 1। तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में सॉल्व है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में कमी है, तो इसकी वजह से हैलोजन में भी सिमिलरिटी दिखाता। अच्छा और एक सिमिलरिटी है, तुमने हाइड्रोजन को देखा होगा H2 के फॉर्म में होता है, डाई एटॉमिक है, तो हैलोजन भी तो F2 के फॉर्म में होते हैं, Cl2 के फॉर्म में होते हैं, वो भी डाई एटॉमिक होते हैं, है कि नहीं? अच्छा हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी होती है और हैलोजन की -1 भी होती है। देखो हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी जो है इसके साथ सिमिलर है, कुछ इसके साथ सिमिलर है, इसलिए अभी तक हाइड्रोजन की पोजीशन जो है पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं हो पाई। हाइड्रोजन जो है वो दो जगह रखा गया, ठीक है, एल्कली मेटल्स के साथ एज वेल एज हैलोजन्स के साथ। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। ओके, तो एक फिक्स्ड पोजीशन जो है, फिक्स्ड पोजीशन हाइड्रोजन की नहीं बताई जा सकती। अगर तुम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म की पीरियोडिक टेबल जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म की पीरियोडिक टेबल देखोगे ना, तो हाइड्रोजन बीच में रखा रहता है, ना इधर रखा रहता ना इधर, बीच में रखा रहता। ओके, तो आज की बात समझ गए। चलो आगे की कहानी, हाइड्रोजन को कैसे बनाएंगे, MOP। सब लोग एकदम नजर बनाए रखो, और ये PDF सभी लोग डाउनलोड करेंगे और इसके नोट्स जो है वो ध्यान से पढ़ेंगे। तुम्हें NCERT पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, नहीं तो मैथ्स भी करा सकती हो। तो सबसे पहले है लैब मेथड। लैब में हाइड्रोजन को कैसे बनाएंगे बच्चे लोग, ठीक है? तो क्या होता है MOP का मतलब क्या है? MOP मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, हाइड्रोजन को हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो जिंक की रिएक्शन अगर हम किसी भी एसिड के साथ करा दे, NCERT कहता है कि जिंक की रिएक्शन अगर किसी भी एसिड के साथ करा दे, या बेस के साथ भी करा दे, एसिड के साथ करा दो चाहे बेस के साथ करा दो, तो यहां पे जिंक जो है वो अपने आयंस में टूट जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यही तो हमें बनाना था। और ये जो है Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बनाता है और H2 गैस रिलीज करता है। बच्चे लोग ठीक है, मतलब ये रिएक्शन क्या दिखा रही है? जिंक जो है, देखो जैसे मान लो जिंक की रिएक्शन HCl के साथ करें तो क्या बनेगा बताओ? Zn और Cl निकल जाएगा, तो ZnCl2 बैलेंसी के हिसाब से। तुम्हें इनऑर्गेनिक की रिएक्शन बैलेंस नहीं रखनी, बस क्या प्रोडक्ट बन रहा है वो ध्यान रख, और H2 अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे क्या लगा। अब ये ZnCl2 को हम क्या लिख सकते हैं? Zn2+ लिख सकते कि नहीं लिख सकते? यही लिखा हुआ है। ओके, और Zn की रिएक्शन हमने NaOH के साथ करी, तो यहां पे Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बनता है बच्चे, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। तो जिंक क्या काम कर रहा है? एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। तो ऐसी चीजें जो एसिड एज वेल एज बेस के साथ रिएक्शन करती हैं वो क्या होती हैं बताओ? एसिड के साथ एज वेल एज बेस के साथ रिएक्शन करती हैं वो क्या होती है? एम्फोटेरिक। यस, तो ये जिंक का एम्फोटेरिक नेचर है, इसीलिए जिंक जो है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। और क्या दे रहा है? हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट कर रहा है।
H2 गैस लिब्रेट कर। अच्छा ये तो बात तुम लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा अब लैब में तो बना सकते हैं, लेकिन अगर इंडस्ट्री में बोला जाए तो कैसे बनाएंगे? इंडस्ट्रियल मेथड होते हैं, कैसे होते हैं वो, क्या होते हैं इंडस्ट्रियल मेथड, उनके बारे में हम लोग देखें। देखो ध्यान रखना एक एक चीज, जिंक रिएक्शन लैब मेथड है, ओके। अच्छा कमर्शियल मेथड की बात करते हैं, दूसरा मेथड है, ठीक है। कमर्शियल मेथड, ये कमर्शियल मेथड क्या होता है, बल्क में हाइड्रोजन को बनाएंगे, किसमें बनाएंगे, बल्क में हाइड्रोजन को बनाएंगे, कमर्शियल मेथड। क्या होता है कमर्शियल मेथड, देखो सबसे पहले जो है इलेक्ट्रोलिसिस कर दो बच्चे की, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। अच्छा तुम लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस पता है क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेकडाउन, यस, ठीक है। तो अगर H2O का हम ब्रेकडाउन करेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे, H plus और OH minus, है ना। तो H plus जो है वो मान लो यहाँ पे 2 कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा, H2 गैस बना देगा। और OH minus है तो यहाँ पे कुछ भी ले लो, 4 ले लो, तो यहाँ पे H2O भी दे देता है, O2 भी दे देता है, और कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, देखो ऐसे बैलेंस। तो हमें जो चाहिए था वो मिल गया कि नहीं मिल गया, H2 गैस मिल गया। ये कौन सी साइड है, इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड अटैच हो, इलेक्ट्रॉन अगर रिएक्टेंट साइड हो, तो ये जो है देखो प्लस से जीरो जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो दिस वन इज कैथोड साइड। और ये वाली इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसको बोलते हैं एनोड। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर H2 गैस लिबरेटेड एट कैथोड साइड और O2 गैस लिबरेटेड एट एनोड साइड। तो हमें H2 बनाना था, तो H2 मिल गया, किस साइड मिल गया, कैथोड साइड। चेक करें जल्दी से बच्चे लोग, क्लियर सर? इलेक्ट्रोलाइटिक साइड में हाइड्रोजन को हम एनोड में क्यों लेते हैं? देखो एनोड ऐसा कुछ नहीं है कि हाइड्रोजन को एनोड साइड में ही लेंगे, अगर कैथोड होता ना, देखते जाना, एक होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड में ही होता है, ओके, और एक होता है रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस हमेशा कैथोड में ही होता है, कैथोड में ही इलेक्ट्रॉन जो है वो अटैच होंगे। तो यहां पे देखो ना प्लस वन से जीरो जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है कि नहीं, तो कैथोड साइड आ गई। ऐसे पता करते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब हाइड्रोजन कैथोड साइड में ही बनेगा, ऐसा नहीं, ठीक है, जहां पर रिडक्शन हो वो कैथोड साइड, अब वहां पे हाइड्रोजन बन रहा है तो हम ऐसा बोल देंगे कि हाइड्रोजन बन रहा है, ओके ओके सर ओके। तो ये लैब मेथड, और फिर ये कौन सा मेथड है, कमर्शियल मेथड। नेक्स्ट कौन सा मेथड है बच्चे लोग, तीसरा मेथड, देखो इलेक्ट्रोलिसिस, देखना इसका भी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस एनेसियल, एक्वस एनेसियल, एक्वस एनेसियल का मतलब क्या है बच्चे बताए, एक्वस एनेसियल में वाटर भी है और एनेसियल भी है कि नहीं, दोनों है कि नहीं। अब देखो एनेसियल भी ब्रेक प्लस और OH, सॉरी Na प्लस और Cl माइनस, और वाटर भी ब्रेक होगा किसमें, H प्लस और OH माइनस, ये दोनों ब्रेक होंगे, ओके भाई दोनों के दोनों ब्रेक होंगे ना, लेकिन एट कैथोड साइड में क्या होगा कि जो ये है ना ये डिस्चार्ज होंगे,
दो इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे एच टू गैस रिलीज कर, दो इलेक्ट्रॉन लेके एच टू गैस जो है वो रिलीज कर देंगे और एनोड साइड में ये डिस्चार्ज होगा। आगे चल के तुम लोग पढ़ोगे, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वो आसानी से डिस्चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तुम लोग देखोगे तो सर, मतलब ये 12th के 3rd चैप्टर में है ना, यस यस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, ठीक है। तो यहाँ पे एच टू ये हो जाएगा और यहाँ पे सीएल माइनस है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, सीएल टू हो जाएगा और टू इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे सीएल टू गैस बन जाएगी और यहाँ पे एच टू गैस, ठीक है, ये डिस्चार्ज नहीं हो पाएगी। ओके, तो समझ गए ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कौन सी, ये एनोड साइड है कि एट कैथोड साइड एच टू लिबरेटेड, एट एनोड साइड सीएल टू लिबरेटेड, किसके इलेक्ट्रोलिसिस से। अच्छा, कौन कौन से प्रोसेस पढ़े हैं अभी तक हम लोगों ने, फटाफट रिवाइज भी करते रहो याद भी करते रहो। सर, पोजीशन पढ़ा है अभी, यस, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लैब मेथड पढ़ा है। लैब मेथड कैसे है? लैब मेथड में हमने जिंक में एच प्लस मिला के हमने हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी, यस, जिंक की रिएक्शन एच प्लस के साथ और मतलब और बेस के साथ, एनएओएच के साथ सोडियम हाँ बेस के साथ। जिंकेट बनाया। ओके, नेक्स्ट जो है कमर्शियल मेथड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड H2O यस, और और इलेक्ट्रोलाइस ऑफ एक्वस NaCl। एक्वास एनएसयू, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो फोर्थ मेथड की बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ स्टीम, वाटर की रिएक्शन ऑन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में स्टीम को पास कराते हैं तब हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। हाइड्रोकार्बन में स्टीम पास कराते हैं तब हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होती है। कैसे, देखो कभी भी जैसे मान लो CH4 है ना, हाइड्रोकार्बन है, उसमें हम स्टीम मिला दिए तो यहां पे बन गया CO+H2, CO और H2, ठीक है, बैलेंस कर लो, कितने H हैं, 6 हैं तो 3H2 कर लो। तो यहाँ पे H2 मिला कि नहीं मिला, तो ये वाला जो ये है ना पूरा टोटल CO और H2 के मिक्सर को बोलते हैं वाटर गैस, नाम है इसका, क्या बोलते हैं, वाटर गैस। कोई भी सर, ये समझ हाइड्रोकार्बन, नहीं आया, एक बार दोबारा रिपीट करता। कुछ नहीं करना है इसमें, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन तो पता है ना मीथेन है, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करा दो, तो सी और ओ और एच टू, और सीओ और एच टू के मिक्सर को बोलते हैं क्या, वाटर गैस, क्या बोलते हैं, वाटर गैस। अब ये एच टू निकल रहा है तो ये जो है ना एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है बेटा, एंडोथर्मिक, क्योंकि यहां से हीट देनी पड़ रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच जो होता है वो पॉजिटिव होता है, अगर डेल्टा एच कहीं पे पॉजिटिव आ जाए तो वो रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होती है। बच्चे लोग ध्यान दें, क्लियर, यस ओके। हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन स्टीम के साथ, और ऐड कर लो, याद कर लो जल्दी से, हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन स्टीम के साथ वाटर गैस बनती है, ठीक है, वाटर गैस बनती है। अच्छा आगे, इसी को बोलते हैं सिन गैस, ठीक है, सिन गैस। जो चौथा मेथड था ना उसमें जो सीओ और एच टू बना है ना, वाटर गैस भी बोलते हैं और सिन गैस भी बोलते हैं बच्चे। सर, इसमें कोई भी हाइड्रोकार्बन, कितने भी कार्बन वाला। यस, कितने भी कार्बन वाला, अब ऐसा नहीं होता कि मतलब 20 कार्बन ले सकते हो, नहीं, नॉर्मल 3, 4, 5 कार्बन तक ले सकते हो। तो बाकी के कार्बन का क्या हुआ? बाकी के जो है वो सॉलिड वैक्स होते हैं तो वो थोड़ी ना रिएक्शन करेंगे, है कि नहीं। तो सर, मतलब एल्कीन लेंगे बस, या एल्कीन एल्पाइन भी ले सकते हैं? एल्काइन भी ले सकते हो, एल्कीन भी ले सकते हो और एल्केन भी ले सकते हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले सकते हो। जैसे हमने बोला C2H4 है ना, उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा, स्टीम पास करा दो, तो सी है, ओ है, सीओ बना दो और एच टू बना दो, काम खत्म, चाहे जो ले लो,
देखो इसमें सीओ में एक ही सी यूज हुआ ना, तो इसमें तो दो सी थे, तो दूसरे वाले अरे सी का क्या बैलेंस हुआ? बैलेंस नहीं किया ना आपने, अपन ने बैलेंस नहीं किया। एक मिनट, अच्छा ठीक है, आगे समझ में। हाँ तो बैलेंस करेंगे ना तो हो जाएगा। ओके तो आगे की कहानी जो है, देखो मैं जो बता रहा था, जो फोर्थ मेथड था ना, उसमें सीओ और एच टू मिला था। सीओ और एच टू को बोलते हैं सिन गैस भी बोलते हैं, वाटर गैस तो बोलते ही बोलते हैं, सिन गैस भी बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? ठीक है, तो सिन गैस में, सिन गैस को बोलते हैं सिंथेसिस गैस, सिंथेसिस, सिन मींस सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल को सिंथेसाइज करने में, मिथेनॉल को बनाने में वाटर गैस का यूज होता है, इसलिए इस वाटर गैस को सिन गैस भी बोलते हैं। कैसे? अरे सीओ है और एच टू है, इसकी रिएक्शन हम ZnO और Cr2O3 की प्रेजेंस में करा दें, 200 से 300 एटीएम प्रेशर जनरेट कर दें, 300 से 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो यहाँ पे CH3OH बन जाता है, मीथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। मीथेनॉल का फॉर्मेशन हमने किससे किया? वाटर गैस से किया, इसलिए मीथेनॉल का सिंथेसाइज करने में किसका यूज हुआ है? वाटर गैस का, इसलिए वाटर गैस को बोलते हैं सिन गैस। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? सिन गैस। ओके क्लियर, जल्दी बताएं। तो ये फोर्थ मेथड में ही था एक्चुअल में, ये नोट में लिखना होता है कि सीओ और एच टू सिन गैस क्यों बोलते हैं। तो ये मिथेनॉल है ना, ये मीथेनॉल को सिंथेसाइज करने में यूज होता है, इसलिए सिंगैस बोलते हैं बच्चे। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट पांचवी रिएक्शन है कोल गैस रिएक्शन, कोल गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन। ये क्या होती है कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन? देखो कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन में जो कोल है ना, कार्बन है, उसको हम वाटर के साथ हीट करते हैं हाई टेम्परेचर, मतलब 1270 केल्विन के आसपास हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। जब भी कहीं पर भी हीट देते हैं ना, तो रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक अपने आप ही हो जाती है। रिएक्शन ये जो है वो कौन सी हो गई? एंडोथर्मिक। अब यहां से हमें हाइड्रोजन बनाना है, तो हाइड्रोजन आराम से बन सकता है। कैसे बन सकता है? अरे भाई साहब, यहाँ पे सीओ और एच टू, फिर से वाटर गैस बनी कि नहीं बनी? सर ध्यान यहाँ देना, पे H2 रिलीज हो जाएगी या पानी के साथ ही रहेगी? एच टू तो देखो रिलीज हो गया ना, एच टू अलग हो गया, सीओ अलग हो गया, ऐसा दोनों गैसेस है ना मगर बेटा। ये रिलीज हो गया तो सर वाटर गैस क्यों कहते हैं? नाम है बेटा, इसको मिथेनॉल क्यों कहते हैं बताओ? अब चलिए वाटर इसमें गैस, कार्बन है। वाह, अब इसमें वाटर गैस इसलिए बोलते हैं सीओ और एच टू है, हम ऐसा बोल दें। इससे कुछ रिलेशन ओके नहीं है कि वाटर ओके वाटर से बना हुआ है तो वाटर गैस, कुछ नहीं है ना। ओके अच्छा आगे की कहानी, कोल गैस पता चल गया, पांचवी रिएक्शन, सिक्स नंबर की रिएक्शन हम लोग देखेंगे। अभी फटाफट रिएक्शन भी याद करते जाओ, कौन कौन सी रिएक्शन थी मन ने, ठीक है, ये कौन कौन सी रिएक्शन अभी तक हम लोगों ने करी है। नेक्स्ट है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, इसका मतलब ऐसा है, कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं। वाटर गैस को देखो सीओ और एच टू ओ स्टीम पास करा दिया, ठीक है, स्टीम पास करा दिया 400 डिग्री सेल्सियस, और इसकी प्रेजेंस में Fe2 Cr O4 का होल थ्राइस, ऐसे मतलब आयरन का, आयरन और उसका क्रोमेट, ठीक है, आयरन और क्रोमियम का ऑक्साइड जो है वो इसकी प्रेजेंस में कर दिया,
तो यहाँ पे CO और O, कभी भी आयरन का लेते हैं ना तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो CO2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, H2। ये वाटर गैस नहीं है, ये अपने को H2 मिला, तो इसको बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। फटाफट देखते रहें, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। क्लियर, इतनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। फिर से एक बार मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लो जल्दी से, कौन कौन से थे। पहले पोजीशन हम लोगों ने देखी, फिर लैब मेथड में जिंक देखा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस एसिडिफाइड वाटर देखा, फिर इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस एनएसीएल देखा, फिर स्टीम के रिएक्शन वाटर गैस, तब से वाटर गैस को सिन गैस बोला, सिन गैस के बाद जो है वो कोक की रिएक्शन कराई और वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ओके, अब कुछ हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम सिंपल सी हैं। देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी याद रखो, बस कितनी वैलेंसी होती है, 1। देखते जाओ, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसकी रिएक्शन हम X2 के साथ करें, हेलोजन के साथ, बताते रहना, O2 के साथ करें तो क्या होगा, N2 के साथ करें इन द प्रेजेंस ऑफ Fe 200 atm प्रेशर 400 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अगर हम वेजिटेबल ऑयल्स के साथ रिएक्शन करें, वेजिटेबल ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ NI तो क्या बनेगा, बहुत नेम रिएक्शन है इसकी, रिएक्शन हम PD2+ के साथ करें, मतलब PDSO4 के साथ करें। ओके, देखो इन सब के साथ करेंगे तो क्या क्या बनेगा, सब एकदम सिंपल सिंपल रिएक्शन है, ऑर्गेनिक के तरीके नहीं कि बहुत भारी है। देखो H और X है तो HX बन जाएगा, दो है तो टू रखा, H2 है O2 है तो वाटर बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अच्छा, वाटर बनाने वाली रिएक्शन जो है वो हमेशा याद रखना एक्सोथर्मिक है बच्चे लोग, कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। अच्छा, ये हैबर प्रोसेस है, N2+3H2 NH3 रिएक्शन को बैलेंस करके नहीं लिख रहे हैं, NH3। अब इसमें ये भी रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव। अच्छा, वेजिटेबल ऑयल की रिएक्शन हाइड्रोजन, वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन डाल दिया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ NI क्या बनता है बताओ, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट। वेरी गुड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो वाली रिएक्शन नहीं है बेटा, ठीक है, वो रहने निकल था, है ना। यहाँ पे हमने वेजिटेबल ऑयल डाला है, वेजिटेबल ऑयल में H2 भी डाला है और M, तो यहाँ पे सॉलिड फैट बनता है, वनस्पति घी। वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन मिला दिया जाए, डालडा तुम लोगों ने सुना है ना, यस सर, है ना, तो वो डालडा जो है वो इसी मेथड से बनता है। ओके, तो H2 वेजिटेबल ऑयल लिया, उसमें H2 मिला दिया और NI मिला दिया, NI के प्रेजेंस में, तो तो ये भी तो वनस्पति। सैचुरेटेड होता है। यस, देखो ये वाले वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं वो फैटी एसिड बोल सकते हैं, और वनस्पति घी भी एक तरीके से ऑयल ही है, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, सॉलिड फैट बोलते हैं, तो उसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हाइड्रोकार्बन है। ओके, सर इसका कोई फॉर्मूला होता है वनस्पति ही का? नहीं मतलब ये भी जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, ये जो होते हैं वो फैट होते हैं, फैटी एसिड पता है ना, बायो के स्टूडेंट, ठीक है, हायर हायर कार्बन वाली जो चीजें होती हैं वो फैटी एसिड होती हैं, हायर कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं फैटी एसिड, ठीक है, उसी में आ सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई वनस्पति घी का कोई फॉर्मूला है। अरे चलो ओके,
अच्छा CU के साथ, CuO के साथ रिएक्शन है बच्चे, CuO के साथ। देखो हाइड्रोजन क्या काम करता है कि हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस करता है, तो इसमें CuO जो है, इसमें Cu किस फॉर्म में है, प्लस टू फॉर्म में है, और इसकी रिएक्शन H2 के साथ करा देते हैं तो H2O निकल जाता है और बेचारा Cu अलग निकल जाता है कि नहीं। तो यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं क्या 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 बना, Cu बना और H2O बना। अच्छा पीडी, पीडी भी क्या होगा, प्लस टू से जीरो में चला जाएगा और यहाँ पे H प्लस हो जाएगा, टू एच प्लस। देखो ऐसे है रिएक्शन, PdCl2 की रिएक्शन हम H2 के साथ कराते हैं। तो यहाँ पे देखो HCl निकल जाता है, PD अलग बन जाता है और टू टाइम्स ऑफ HCl, यही इसका रिएक्शन है बच्चे लोग ध्यान दें। चेक करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, एकदम डिफिकल्ट नहीं है, उसमें कोई मतलब दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए केमिकल प्रॉपर्टी। क्लियर, सारी बातें क्लियर हो गई, चलो। अच्छा हाइड्रोजन जो है वो दो, और हाइड्रोजन के दो टाइप्स होते हैं, एक ऑर्थो होता है और एक पैरा होता है। बच्चे लोग ध्यान से समझते रहना, ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन, कभी सुना है ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन? नहीं ना, वो तो ऑर्गेनिक में होता है ना, ये इनऑर्गेनिक अपन लोग चला रहे हैं। इनऑर्गेनिक में भी ऑर्थो पैरा होता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक में भी हाइड्रोजन के वाला, ये हाइड्रोजन के टाइप है, ठीक है, हाइड्रोजन के टाइप है ये, ऑर्थो हाइड्रोजन होता है, पैरा हाइड्रोजन होता है। तो ऐसा होता है, देखो देखो H2 है, दो हाइड्रोजन है, यहां पे एक H, यहां पे एक H है कि नहीं, H2 है। अब दो हाइड्रोजन है, अब इसमें देखना ध्यान से समझना, एक प्रोटॉन होता है कि नहीं होता, ये न्यूक्लियस मान लो, एक हाइड्रोजन ये भी न्यूक्लियस है, तो इसमें अगर प्रोटॉन की स्पिन के हिसाब से देखते हैं, ये न्यूक्लियर आइसोमर है, अगर दोनों H का प्रोटॉन के स्पिन जो है ऐसे हुई, प्रोटॉन की स्पिन जो है वो एक ही डायरेक्शन में हुई, प्रोटॉन की स्पिन, इलेक्ट्रॉन की नहीं, ठीक है, प्रोटॉन की स्पिन मतलब यहां पे भी प्रोटॉन, यहां पे भी प्रोटॉन, इसकी अगर स्पिन जो है वो एक ही डायरेक्शन में हुई तो उस हाइड्रोजन को बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन, और अगर प्रोटॉन की स्पिन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये इधर घूम रहा है और ये इधर घूम रहा है, तो इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोजन बच्चे, क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन पैरा हाइड्रोजन में बस इतना फर्क है, ये जो है ना एक दूसरे के न्यूक्लियर आइसोमर है, क्या है, न्यूक्लियर, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन अगर सेम डायरेक्शन में दोनों हाइड्रोजन में फ्लो हो रहे तो उसको बोलेंगे क्या, ऑर्थो, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में एक दूसरे को कर रहे तो उसको बोलेंगे पैरा। ओके अब तुम बताओ कि कौन ज्यादा स्टेबल हो सकता है, ऐसा ऐसा याद रखना, पीओपी याद रखना, पीओपी, प्रोटॉन अपोजिट स्पिन क्या होगा, पैरा, पीओपी याद रखना, प्रोटॉन अपोजिट स्पिन पैरा, ओके। अच्छा ये सब जो है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के, क्योंकि न्यूक्लियस में चेंजमेंट हो रहा है तो ऐसा बोल सकते हैं, ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर आइसोमर, न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर। अच्छा तुम लोग बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, पैरा, पैरा तो क्लैश कर जाएगा, देखो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग स्टेबल होती है, ठीक है, वैसे तो
ऑर्थो ज्यादा स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे। ये देखो ना, ये एक अपोजिट जा रहा है तो एक दूसरे को तो हटा ही देंगे ना। ओके, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑर्थो और पैरा की जो होती है वो सेम होती है। अच्छा, और क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होती है, मतलब स्टेबल रूम टेम्परेचर में कौन ज्यादा स्टेबल है वगैरह। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है इसकी डिफरेंट है। कौन ज्यादा स्टेबल है? अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में किसका ज्यादा होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो ऑर्थो का ज्यादा पैरा का कम। बच्चे लोग ध्यान दें, एक एक चीज मैं पूरा बता रहा हूं। क्लियर? थोड़ा सा ना नेटवर्क इशू आ गया था, थोड़ा सा रिपीट कर तो यहाँ पे बता दे रहा फिर से। ठीक है, तो अगर सेम डायरेक्शन में हो तो ऑर्थो, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो पैरा। ऑर्थो और पैरा में कौन स्टेबल है? सेम डायरेक्शन में जो जा रहे हैं वो ज्यादा स्टेबल है, अगर जो अपोजिट जा रहे हैं तो वो तो एक दूसरे को कट कर देंगे तो कम स्टेबल है। तो इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि ऑर्थो इज मोर स्टेबल देन पैरा। ओके, चलो। तो इसमें क्वेश्चन आया था, एक बार मैं बता देता हूँ क्या क्वेश्चन आया था। ऐसा आया था कि टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, 0 डिग्री में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब कितने कितने फॉर्म में होते हैं। तो ये मैं एक बार फिर से यहां पे देखना, एक बार क्वेश्चन आ चुका है तो इसकी वजह से बता रहे हैं। 0 डिग्री केल्विन में ऑर्थो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है, ऑर्थो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, पैरा जो है वो 100% होता है, मतलब जो हाइड्रोजन है वो बोला जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस में तो ऑर्थो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, अगर हम बोले रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर पे ये जो है वो 50% होता है और ये भी 50% होता है, मतलब हाइड्रोजन अगर रूम टेम्परेचर पे रखा जाए तो ऑर्थो फॉर्म भी 50% होगी, पैरा फॉर्म भी 50% होगी। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर रखा जाए, रूम टेम्परेचर से ज्यादा अगर हाई टेम्परेचर, तो ये जो है वो 75% जो ज्यादा स्टेबल है और ये 25%। ये परसेंट में पूछा गया था एक बार क्वेश्चन कि 100 डिग्री सेल्सियस में कौन सा फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन स्टेबल एग्जिस्ट, कौन सी फॉर्म करती है, तो रेशियो बताओ उनका। तो ऑर्थो 75, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ना तो ऑर्थो फॉर्म जो है वो स्टेबल होती जाएगी। जल्दी से चेक करें, जल्दी बच्चे लोग। सर, 0 डिग्री केल्विन पे कितना है? ऑर्थो एग्जिस्ट ही नहीं करता है और पूरा का पूरा क्या होगा, पैरा होगा। चेक करो जल्दी से सारे लोग एक बार, ऑर्थो और पैरा के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए पूरा बताया है। आगे बढ़ना हो तो बताना जल्दी से, क्लियर हो जाए तो। 75% ऑर्थो का है ना? ऑर्थो पे 75%, पैरा तो 25% है। इसमें ऐसी लाइन खींची हुई बेटा। ओके ओके सर। देखो नेक्स्ट, ये हाइड्रोजन के बारे में पूरी चीजें हो गई। हाइड्रोजन के एक और टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जिनको बोलते हैं हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स, ठीक है, हाइड्राइड होता क्या है? देखो हाइड्रोजन, जैसे सोडियम हाइड्राइड है ना, हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है, किसी भी एलिमेंट के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो वहां पे कंपाउंड बनाता है, उस कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्राइड। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। हाइड्राइड कैसे कैसे कितने कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में अपन लोग डिसाइड कर लेते हैं। देखो जल्दी से,
देख, हाइड्राइड्स जो होते हैं वो तीन तरीके के हैं, होते हैं। एक होता है आयोनिक हाइड्राइड, बच्चे लोग ध्यान से देखना, एक होता है आयोनिक हाइड्राइड, इसी को बोलते हैं सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, ठीक है। तो आयोनिक हाइड्राइड, दूसरा होता है कोवेलेंट हाइड्राइड। यहीं से पूरी डेफिनेशन पता चल जाएगी। और नेक्स्ट होता है मेटेलिक हाइड्राइड। बच्चे लोग, आयनिक हाइड्राइड क्या होता है? मेन हाइड्रोजन कंबाइंड विद एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अगर एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन कंबाइंड होता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ अगर हाइड्रोजन कंबाइंड होता है, एस ब्लॉक में फर्स्ट ए ग्रुप आता है, सेकेंड ए ग्रुप आता है, एस ब्लॉक के साथ अगर कंबाइंड होता है तो उनको बोलते हैं आयोनिक हाइड्राइड। एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्शन जो है वो ध्यान देना, ये सब जो जो मैं लिख रहा हूं वो आयनिक हाइड्राइड नहीं है। एक्सेप्ट LiH, BeH2, एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आते, MgH2, ये जो है वो आयनिक हाइड्राइड नहीं। एस ब्लॉक के तो हैं लेकिन आयोनिक हाइड्राइड नहीं, मतलब व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद एस ब्लॉक एलिमेंट दे फॉर्म आयोनिक हाइड्राइड, एक्सेप्ट LiH, BeH2 और MgH2। ओके, अच्छा, कोवेलेंट हाइड्राइड जो होते हैं ना बच्चे लोग, पी ब्लॉक के साथ कंबाइन होते हैं। अगर पी ब्लॉक के साथ कंबाइन हुआ हाइड्रोजन तो आयोनिक हाइड्राइड देता है। अब आयोनिक सॉरी कोवेलेंट हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड बच्चे लोग तीन तरीके के होता है। कौन कौन से तरीके का होता है? तीन तरीके का, पढ़ते जाना और याद भी करते जाना। एक होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन पहले रिच की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एक होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, नाम याद रखना, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। एक होता है इलेक्ट्रॉन रिच। ऐसा मतलब ऐसे मॉलिकुलर हाइड्राइड जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिकुलर हाइड्राइड। मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जैसे BH3 है, BH3 में सॉरी BH3 में कितने मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं? इन तीन बोरान में तीन हाइड्रोजन है, मतलब छह इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंट है कि नहीं? ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं? है नहीं, डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब बोरॉन फैमिली 30th ग्रुप के साथ अगर कंबाइन होता है और हाइड्राइड बनाता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। जैसे BF3 सॉरी BH3 40th ग्रुप के साथ अगर कंबाइन होता है, मतलब कार्बन फैमिली के साथ, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। और अगर 50th ग्रुप है, 60th ग्रुप है, 70th ग्रुप है, इनके साथ कंबाइन होता है तो इलेक्ट्रॉन रिच बोलते हैं। जैसे वाटर है, वाटर के पास लोन पेयर है कि नहीं है? ये हाइड्राइड है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का हाइड्राइड जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सर, प्रिसाइज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब बता दें कुछ। इलेक्ट्रॉन जितने चाहिए उतने होने चाहिए। जैसे कार्बन है, कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट चाहिए ना, तो वो ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन के पास 4 हैं, 4 हाइड्रोजन ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज ऐसा है ना, उसके पास लोन पेयर हो ना कमी हो। ओके, ओके सर। ठीक है। अब बात करते हैं कि मेटेलिक हाइड्राइड क्या होता है। मेटेलिक हाइड्राइड जो होते हैं उसी को बोलते हैं इंटरस्टीशियल हाइड्राइड। ठीक है,
समझ में आ रहा होगा, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाएंगे, है ना। ये जो होते हैं डी ब्लॉक के जो मेटल्स के साथ कंबाइन होते हैं, तो वो जो बनाएंगे उसको बोलेंगे क्या, मेटलिक हाइड्राइड। ये जो हाइड्राइड है ना बच्चे लोग, ये नॉन स्टॉचियोमेट्री होते हैं। ये जो हाइड्राइड हैं वो नॉन स्टॉचियोमेट्रिक हाइड्राइड होते हैं। मतलब इंटरस्टीशियल का मतलब क्या होता है, नहीं पता? वैकेंट जो, देखो ऐसे जो मेटल्स की जो पैकिंग करते हैं ना, ऐसे तुम लोगों ने सॉलिड स्टेट में देखा होगा, ऐसे पैकिंग कर दी, ठीक है। तो इसमें जो जगह छूटी हुई है, ये जो स्पेसेस है, उस स्पेस में हाइड्रोजन आ जाता है, ऐसे वॉइड्स में हाइड्रोजन आ जाता है। अब वॉइड्स में हाइड्रोजन आ जाता है तो उसको बोलते हैं इंटरस्टीशियल साइट्स, इनको बोलते हैं इंटरस्टीशियल साइट, ओके। तो इस तरीके से जो हाइड्रोजन है, जैसे मान लो एम है 2.87, ऐसे ही जो है, ऐसे जो हाइड्राइड होते हैं 2.87, 3.8, मतलब पूरे के पूरे नहीं, ऐसा होना चाहिए MH3 होना चाहिए। तो आधा कुछ पॉइंट जो है वो इन साइट्स में चला जाता है, तो इसके लिए 2.87। तो इसमें इंटरस्टीशियल हाइड्राइड इनको बोलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ये डिफेक्ट है ना? यस। तो इसमें स्कॉट की डिफेक्ट भी हो सकता है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी हो सकता है, वो अलग है बात है, तो जब उसको देखेंगे तब उसकी बात करेंगे। चलो हाइड्राइड एक बार देख लो, जल्दी से याद करने की कोशिश करो, मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, तुम्हें पहचानना होगा कि कौन से टाइप के हाइड्राइड है। अगर डन हो जाए तो बताना बेटा, मैं कुछ एग्जांपल दूंगा तुम्हें, तुम लोगों को करना होगा, ओके। ओके, तो आगे बात जो करते हैं, ठीक है, ये हाइड्राइड्स की बात हो गई। नेक्स्ट कंपाउंड है वाटर, वाटर के बारे में हम लोग देखें, ठीक है, वाटर के बारे में देखेंगे। अच्छा तुम लोगों को पता है कि कितने टाइप का वाटर होता है? डिस्टिल्ड वाटर होता है, मिनरल वाटर होता है, दो टाइप का होता है, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हाँ ऐसे बताओ ना, डिस्टिल स्टिल वाला का बताओ, ठीक है। तो हार्ड वाटर होता है और सॉफ्ट वाटर होता है, ठीक है। अच्छा अगर मॉलिकुलर फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए, H2O के फॉर्म में देखा जाए, तो वो पता है 18 तरीके के वाटर होते हैं, 18 टाइप्स के वाटर होते हैं, जिसमें से एक टाइप जो है वो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर में यूज करते हैं। 18 टाइप्स मतलब उसको हम फॉर्म कर सकते हैं 18 टाइप्स से, आइसोटोप से फॉर्म कर सकते हैं। देखो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप हैं, 1H1, 1H2, 1H3, है ना। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्रिटियम, बोलते हैं कि नहीं बोलते? ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप हैं, O16, O17
और O18 तीन आइसोटोप है। अब इनका अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना तो 18 तरीके क्या है, ऐसे कॉम्बिनेशन बना के करती तो 18 तरीके क्या आते सर, वाटर थोड़ा बनेगा फिर? नहीं मतलब हाइड्रोजन तो है ही है ना, चाहे हैवी हैवी हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोजन तो है ही है ना, तो वाटर के फॉर्म में तो होगा ही होगा। देखो H2O, ये H2O 16 वाला लेते हैं, आगे H की जगह पे हम एक की जगह पे D रख दें 16, देखो HDO 16 है कि नहीं। अच्छा HTO 16 लिख सकते हैं। अब हमें D ही केवल मिला, D2O 16, T2O 16, और क्या हो सकता है, एक और हो सकता है ना, DTO 16। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 किसके किस किसके हो गए, केवल 16 वाले के हो गए है कि नहीं। अब H2O 17 वाले के, HDO 17, HTO 17, D2O 17, T2O 17, DTO, DTO ऐसा फिर से हो गई ये। अब 18 वाला कर लें, H2O 18, HDO 18, HTO 18, D2O 18, T2O 18, D2O DTO 18। देखो कितने हो गए, काउंट करो 18 है ना, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोटोप्स, ये सब आइसोटोप है, इन आइसोटोप के कॉम्बिनेशन से हम लोगों ने ये 18 टाइप के वाटर को बनाया है ना। अच्छा वाटर, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर को हम कैसे पहचानते हैं सर, जिसमें मैग्नीशियम आयन वगैरह जो हो तो उसे हम हार्ड वाटर कहते हैं, और जो नहीं है वो तो सॉफ्ट वाटर। या ऐसे हमें मैग्नीशियम आयन तुम ढूंढ लोगी वाटर में सर, सॉल्टी वाटर ना, सॉल्टी वाटर। अच्छा मतलब तुम जो ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हो वो उसमें हार्डनेस नहीं होती है, जो टैप वाटर यूज करते होती है वो सर सोप जो होता है ना, सोप से डिटरमाइन करते हैं। हाँ ये सही बताया, अगर सोप के साथ लेदर दे मतलब एकदम झाग दे तो वो सॉफ्ट वाटर है, और अगर सोप वही सोप यूज करो और झाग ना दे मतलब कम झाग दे कम लेदर दे तो हम बोल सकते हैं कि वो जो है वो हार्ड वाटर है। अब ऐसा नहीं कि सोप चेंज कर दो, उसी सोप को दोनों वाटर के साथ दे तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस जो है वो हम लोग नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन हाँ एग्जैक्ट जो होता है रीजन, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट क्लोराइड बाइकार्बोनेट्स, इनकी वजह से होती है वाटर में हार्डनेस, और उस हार्डनेस को दूर करने के लिए हम लोग आरओ लगाते हैं, आरओ यूवी है ना, वो सब चीजें लगाते हैं ताकि वो वाटर जो है जो ग्राउंड वाटर है वो ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट हो सके। ओके तो वो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर की कहानी जो है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बाकी है अपन लोगों को, वाटर पढ़ना है और H2O2 पढ़ना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में वो पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके PYQs ज्यादा आए नहीं है, 19 या 18 क्वेश्चंस हैं पूरे PYQs में, तो इसलिए ज्यादा वेटेज नहीं है, एक क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन के लिए इतना तुम लोग पढ़ सकते हो,
और पूरा का पूरा तुम्हें क्या करना है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी। मेरे जो नोट्स हैं वो पूरे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो एनसीईआरटी पे ज्यादा से ज्यादा इनऑर्गेनिक में फोकस करना, इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। ओके तो चलो, तो इनऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा होता है ना? नहीं, वेटेज का ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि वेटेज जिसका ज्यादा होता है। तो तुम लोगों में से कौन रैंकर बैच में आता है? सर मैं। हाँ, तो वहां पे मैंने वेटेज वगैरह बताया हुआ है कि कौन सा कैसा का वेटेज है। यहाँ पे भी मैं बता दूंगा कुछ दिनों बाद कि कौन से किस चैप्टर का कौन सर, केमिस्ट्री में आप पढ़ाते हो? यस बेटा। सर केमिस्ट्री क्लास तो ली थी मैंने, उसमें नहीं था। कब केमिस्ट्री की क्लास ली? रैंकर बैच संडे को सर। वो एक और भी है ना जिसमें दूसरे सर क्लास लेते हैं संडे को ही होता है। वो कुछ और बैच का नाम है, मैं रैंकर बैच में क्लास लेता हूँ। ओके, तो रैंकर बैच में ही मतलब मैम से बोल के ज्वाइन हो सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या नाम है ज्योति, है ना? ओके सर। सर मैं अभी उसमें था। इंदु नहीं, वर्षा। वर्षा, ओके चलो ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग जो है वो देखेंगे। ओके, और जितने से जितने बच्चे हैं रैंकर्स बैच में ज्वाइन करने की कोशिश करें। ठीक है, उसमें बहुत सारी मतलब कंसाइज करके हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें बस केवल और केवल चैप्टर्स के ऊपर जितना फोकस करना चाहिए उतना कर रहे हैं, और जिन चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए उनके ऊपर कर रहे हैं, ताकि अपने 150 मार्क्स जो है केमिस्ट्री में सिक्योर हो सके। ओके चलो, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।